हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। आइए आज हम देखते हैं हाउ टू यूज़ सिनेरियो मैनेजर फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए, सबसे पहले हम सिनेरियो मैनेजर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कंपनी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो किसी भी टाइप के प्लास्टिक पार्ट्स बनाती है। ठीक है, तो उन पार्ट्स को बनाने के लिए जो हमारा टोटल खर्चा होता है पर क्विंटल पर, दैट इज़ हमने ज्यूम किया प्लास्टिक जो यूज़ होता है उसकी जो कॉस्ट है 12,000 रुपीज़, पावर यूज़ होती है 2,500 रुपीज़ एंड लेबर होती है 2,000 रुपीज़। ये हम ज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें पर क्विंटल प्लास्टिक पार्ट्स बनाने के लिए इतना खर्चा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो लिस्ट बनाई है, हमने दो शीट्स यूज़ की हैं, एक मार्च मंथ और एक अप्रैल मंथ। ठीक है दोस्तों, अप्रैल मंथ की शीट में हमने दिया है कि हमारे पास पर 100 जो खर्चा होता है दैट इज़ 16,500 रुपये, और मार्च के अंदर जो टोटल कॉस्ट आती है दैट इज़ 15,000 रुपीज़। अब देखिए दोस्तों, हमें अपने प्रोडक्ट का जो है प्राइस डिसाइड करना है, और जो प्राइस डिसाइड करना है वो हमें इस बेस पर डिसाइड करना है कि हमें प्रोडक्ट को पर क्विंटल डेवलप करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। राइट, अब प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, पावर यूज़ हो रही है, लेबर यूज़ हो रही है, वो उसके मार्केट प्राइस या मंथली प्राइस या वीकली प्राइस चेंज होते रहते हैं। सपोज आज जो प्लास्टिक जो यूज़ हो रहा है उसकी जो अमाउंट है दैट इज़ 12,000 पर क्विंटल। ठीक है, हो सकता है 3 दिन के बाद ये प्राइस इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज हो जाए। सेम पावर हमारी कहीं ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है, कभी ज़्यादा लग रही है। सेम लेबर प्राइस भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट है पर क्विंटल पर वो चेंज होती रहती है। राइट, तो हम उस चेंजिंग्स जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट पर हो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक सिनेरियो मैनेजर डिज़ाइन करके रख सकते हैं, जिससे हमें हमारे प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट पता लग जाएगी कि इसको पर क्विंटल बनाने पर हमें कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसको बनाने से यह होता है, देखिए यदि हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है तो हमें पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट पर क्विंटल पे हमें एवरेज प्राइस इसका इतना आ रहा है और हम उसका मार्केट प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास, हम अप्रैल मंथ लेकर चल रहे हैं कि अप्रैल मंथ में हमारे पास जो अभी करंट कॉस्ट है पर क्विंटल दैट इज 16,500। अगर मार्केट प्राइस कुछ डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की जो पर क्विंटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास रिबन में डाटा मेन्यू में डाटा टूल्स में ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। राइट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आती है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे, देन सिनेरियो मैनेजर में सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऐड बटन पर। जैसे हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमसे पूछेगा सिनेरियो नेम, कि हमें सिनेरियो किस नेम से क्रिएट करना है। तो मैं पहले एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ मैक्सिमम, कि किस इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी मैक्सिमम वैल्यू जो है इंक्रीज हो सकती है, लाइक प्लास्टिक का जो मैक्सिमम रेट है वो क्या हो सकता है, पावर का क्या हो सकता है, लेबर का होता है। ठीक है, तो हमने इसका नेम दिया मैक्स। राइट, देन चेंजिंग सेल्स। चेंजिंग सेल्स कौन से होंगे, वो सेल्स जिनकी वैल्यू वहाँ पर चेंज होगी जब हमारे पास इन प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रेफरेंस और इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देन हमें क्लिक करना है ओके। यहाँ पे कहीं हमें कुछ चेंजेस नहीं करने, देन ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पर सेलेक्ट की थी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। लाइक फर्स्ट वैल्यू किसके लिए, प्लास्टिक के लिए। प्लास्टिक की जो करंट वैल्यू है दैट इज़ 12,000, और हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट में इसका मैक्सिमम प्राइस जो हो सकता है दैट विल बी 13,000। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, 13,000। सेम पावर की मैक्सिमम कॉस्ट क्या हो सकती है, 3,000। लेबर की मैक्सिमम कॉस्ट जो अभी करंट है दैट इज 2,000, वो मैक्सिमम दैट हो सकती है दैट इज 2,500। राइट, देन इसको हम ऐड कर देंगे। अभी हमारा पास एक सिनेरियो मैनेजर ऐड हो चुका है मैक्स। सेम एक दूसरा हमारे पास इसमें क्या केस हो सकता है कि मार्केट में इन प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाए, तो हम एक सेकेंड सिनेरियो मैनेजर भी क्रिएट कर रहे हैं मिनिमम मीन, जिसका हमने नाम रखा है चेंजिंग सेल्स। सेम वही रहेंगे पहले वाले तीन, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट वैसे सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर दीजिए, देन क्लिक ओके। सेम अब वही करंट वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो हम ये सिनेरियो मैनेजर बना रहे हैं मिनिमम के लिए। तो हमने बोला कि जैसे अभी इसकी करंट वैल्यू 12,000 है, तो मिनिमम इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू हो सकती है दैट विल बी 11,000। राइट, वैसे ही पावर कितनी हो सकती है मिनिमम,
2000, ठीक है, लेबर मिनिमम कितनी हो सकती है 1500, राइट। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अप्रैल मंथ के लिए दोनों सिनेरियोस डिजाइन कर लिया, मैक्स एंड मीन। अब हमें कोई नया सिनेरियो ऐड नहीं करना है, तो अब हम ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे, हम कहाँ क्लिक करेंगे, ओके पर, ठीक है दोस्तों। नाउ जैसे हमने ओके किया, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब ये हमारे दो सिनेरियोस अप्रैल मंथ के लिए बन चुके हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, राइट। अब हमें कभी भी ये देखना है कि जब भी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो हमें वो सिनेरियो मैनेजर चेक करना है कि उसकी एवरेज कॉस्ट हमें पर क्विंटल कितनी आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसी शीट पर वेट इफ एनालिसिस सेलेक्ट सिनेरियो मैनेजर, राइट। यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन है समरी, समरी पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा समरी शीट, समरी शीट सिनेरियो मैनेजर की जो भी हमारे पास होगी। बट उससे पहले हमें बताना है कि रिजल्ट्स हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, रिजल्ट हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, टोटल पर। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे टोटल का रेफरेंस दे देंगे, राइट। देन अब देन सिनेरियो समरी पे क्लिक करेंगे एंड ओके, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास एक नई शीट यहाँ पर जनरेट हो गई है सिनेरियो समरी के नेम से। तो इसमें हमारे पास शीट्स के अंदर देखिए, यहाँ में सबसे पहले क्या शो कर रहा है, करंट वैल्यू, कि हमें करंट जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, 16,500। अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज हुआ है किसी प्रोडक्ट का जो हमने एंटर किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अब जो प्रोडक्ट की जो पर क्विंटल कॉस्ट पड़ रही है, दैट इज 15,800, राइट। अगर मार्केट में प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो हमें पर एवरेज पर क्विंटल कॉस्ट क्या पड़ रही है, 14,500, राइट दोस्तों। तो इस तरह से हमारे पास एक सिनेरियो समरी जनरेट हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, की मार्केट प्राइस के अंदर कि अगर आपके पास जो भी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास उसका एवरेज प्राइस आ जाएगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका प्राइस आ जाएगा, राइट दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि अभी देखिए हमने इस शीट के अंदर जो सिनेरियो समरी बनाया, हमारे पास सिर्फ मैक्स मीन और करंट है, राइट। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो लास्ट मंथ का भी हमारे पास एवरेज कॉस्ट था, उसे भी यहाँ पर मर्ज करना चाहता हूँ, राइट। तो हमने अभी किस मंथ के लिए बनाया था, अप्रैल मंथ के लिए, ठीक है। वैसे ही हमने एक डाटा हमारी शीट में रखा हुआ है मार्च मंथ के लिए, ये वाला, जिसके अंदर हमारे मार्च के अंदर प्लास्टिक की कॉस्ट क्या थी, पावर की कॉस्ट क्या थी, लेबर क्या था, और टोटल कॉस्ट हमें क्या पड़ रही थी। और हम चाहते हैं कि ये भी एक सिनेरियो बने और ये हमारी अप्रैल मंथ के अंदर जो हमारे पास समरी सिनेरियो बनेगा उसके अंदर यहाँ पर ऐड होके हमें लास्ट मंथ का भी शो हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अप्रैल मंथ के लिए हमने मैक्स और मीन दो बना लिए हैं, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, लास्ट मंथ वाली शीट पर जाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। सिनेरियो कैसे क्रिएट करना है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, व्हाट इफ एनालिसिस, क्लिक ऑन सिनेरियो मैनेजर, राइट। देन ऐड, ऐड के बाद हम इसको दे देते हैं मार्च की है ये हमारे पास, तो हमने इसका नाम दे दिया मार्च कॉस्ट, राइट। देन चेंजिंग सेल्स, चेंजिंग सेल्स इसमें कौन से होंगे हमारे, यही तीनों जिसके अंदर वैल्यूज हैं, राइट। देन ओके, अब हमें इनकी वैल्यूज में कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको वहां पर ऐड करना है, तो एज इट इज लेके जाना है, तो हम क्लिक कर देंगे ओके, राइट एंड क्लोज। अब हमारे पास मार्च वाली शीट में भी एक सिनेरियो बन चुका है मार्च के नाम से, ठीक है मार्च। अब हम चाहते हैं कि जो अप्रैल में हमारे पास दो सिनेरियो बनाए थे मीन और मैक्स, उसके साथ लास्ट मंथ्स का सिनेरियो भी ऐड हो और हमारे पास एक नई सिनेरियो समरी शीट जनरेट हो जाए। तो हम फिर से क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर। बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही सिनेरियो डिस्प्ले हो रहे हैं, मैक्स और मीन, जो इस करंट अप्रैल वाली शीट के थे। हमें इसके अंदर जो हमारी मार्च वाली शीट में हमने सिनेरियो बनाया था उसे भी यहाँ पर मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे मर्ज बटन पर। उसके बाद हमारी किस शीट में वो हमने सिनेरियो बनाया था, शीट का नाम क्या है, मार्च, हमने उस शीट का नेम सेलेक्ट किया। अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो शीट वन, शीट टू, शीट थ्री जो भी होगी आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमने मार्च सेलेक्ट किया एंड ओके। जैसे ही हम यहाँ पर ओके करेंगे वो सिनेरियो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए मार्च कॉस्ट आ गई, ठीक है, हमें मार्च कॉस्ट। देन अब हम समरी पे क्लिक करेंगे, समरी, और सेम टोटल का यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे, टोटल कॉस्ट का, राइट। देन क्लिक ओके। अब देखिए हमारे पास एक नई समरी शीट आ गई है, सिनेरियो समरी टू। पहले वाली कौन सी थी, सिनेरियो समरी। इसके अंदर जो हमें सिनेरियो समरी शो हो रही है, करंट वैल्यूज ऑफ अप्रैल मंथ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्रैल मंथ, मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्रैल मंथ, एंड मार्च के अंदर मैक्सिमम कॉस्ट क्या थी, वो मार्च की जो कॉस्ट थी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी, राइट दोस्तों। तो ये हमारे पास सिनेरियो मैनेजर्स का टूल है, जिसको हम यूज़ करके हमारे पास किसी भी मिनिमम, मैक्सिमम या किसी भी टाइप का सिनेरियो जो आपके पास अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वैसा सिनेरियो आप क्रिएट करके रख सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर कंपैरिजन,
इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेट रिजल्ट्स, इट इज़ यूज्ड फॉर टू फाइंड द वैल्यूज़, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट। तो आपके अकॉर्डिंग जहाँ पर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पे आपके पास कंपैरिजन यूज़ होता है फंक्शन, ठीक है, वहाँ पर आप सिनेरियो मैनेजर्स इस टाइप से बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से ये ट्यूटोरियल देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें जब भी सिनेरियो मैनेजर क्रिएट करना है तो ये सभी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से जैसे आपने सिनेरियो मैनेजर्स बनाया है, आपने किसी सिनेरियो को डिलीट करना है या एडिट करना है, तो आप सेम वैसे ही यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। सिनेरियो मैनेजर में जाइए, जिस सिनेरियो मैनेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने एडिट करना है तो उसको आप मैक्स में जाके या मीन में जाके एडिट बटन क्लिक करके उसके आप वैल्यूज़ वगैरह यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हाउ टू यूज़ सिनेरियो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कीजिए। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहाँ पर एक बेल का बटन है, उसे भी क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको बेल को क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ आ जाएगी। और दोस्तों जैसे मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचा है और आप चाहते हैं कि यही वीडियो आपके और भी दोस्तों तक पहुँचे और भी इसे सीखें, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जितना हो सकता है, इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।